एवरीवन सो so, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेन की जो विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट आप यूके में रहते हुए कैसे बुक कर सकते हैं so, सो यूके में जब स्टूडेंट्स आते हैं या स्किल्ड वर्कर होते हैं उनका होता है कि अब यूरोप घूमें या यूरोप का वीज़ा लगाएँ और अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएं स्पेन उनमें से एक कंट्री है जो पे आप जा सकते हैं और इसकी अपॉइंटमेंट लेना मेरे नज़दीक बाकी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट लेने से ज़्यादा ईजी है सो so, अब स्पेन को जो मैनेज करता है अपॉइंटमेंट में यूके के लिए वो बीएलएस होता है इस तरह फ्रांस के लिए टीएलएस है नीदरलैंड्स और कुछ और कंट्रीज के लिए वीएफएस होता है सो so, प्रोसेस बहुत सिंपल और इजी है आप ख़ुद भी सब कुछ कर सकते हैं बचाया कि आप एजेंट्स के पास जाएं और वो आपको जलील करें गार करें सो so, आप गूगल पर सिर्फ लिखें बी स्पेन आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी यू इस वेबसाइट पर जाएँ इस वेबसाइट पर जाएं आप अपना बता दें कि आप आ, किस काउंटी में रहते हैं आप लंदन बता सकते हैं मैनचेस्टर जिस जहाँ पे भी रह रहे हैं सो so, यहाँ पे आप स्टेप वन में नो योर वीज़ा टाइप अब ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं विजिट वीज़ा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म स्टे लॉन्ग टर्म स्टे लेकिन जो ट्रांजिट विज़िट वीज़ा होता है शॉर्ट टर्म स्टे में आता है ज़्यादातर लोग उसी को ही ले रहे होते हैं और मैंने भी उसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक की है सो आपका यहाँ पे स्टेप टू जो है बुक योर अपॉइंटमेंट इस पर क्लिक करना है फिर वो आगे आपको अगेन बोल रहा है मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है लेट्स से मैं उस अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आई पासवर्ड डालें आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे एग्री करेंगे ये बहुत सारे एग्रीमेंट्स आपसे मांगेगा एग्री करें अपना लास्ट नेम डालें अपना फर्स्ट नेम डालें और फर्स्ट नेम मतलब जो पासपोर्ट पे आपका दो दो तरह के आ रहे होते हैं एक सर नेम आ रहा होता है एक फर्स्ट नेम आ रहा होता है वही डाल, दे। डाल दें पास्पोर्ट पास्पोर्ट डेट ऑफ बर्थ डालें पासपोर्ट टाइप डालें ज़्यादातर लोगों का ऑर्डनरी पासपोर्ट होता है पासपोर्ट कंट्री ऑफ इशू डाल दें पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट इशू डेट पासपोर्ट एक्सपायरी डेट प्लेस ऑफ इशू मोबाइल नंबर ई और वेरीफाई करेंगे तो आपको आपकी ई मेल कोड आएगा उस कोड को डालेंगे तो आपको ई मेल आई आपको आपने जो यहाँ पर डाली होगी और उस कोड के साथ आप पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे इस तरह करके लिखेंगे हाथ से तो एक्सेप्ट करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे फिर वो आपको फिर आपको एक और दो तीन ई इस तरह भेजता है वेरीफिकेशन के लिए सो जब वो वेरीफाई आपको कर लेता है मैंने यहाँ पर अपनी डमी ई वगैरह डाल के एक अकाउंट बनाया है मुझे एंटर करने दो भाई मेरे पास सेफ पासवर्ड में होगा मैं उधर से डाल देता हूँ क्योंकि ये एंटर करना नहीं देता इतनी आसानी से नहीं बहुत तंग करता है ये ये भी इन्होंने ना इसलिए बनाया है इसको इस तरह के ताकि जो रोबोट्स वगैरह होते हैं वो ना है। इनकी वेबसाइट को पे बुकिंग वगैरह ना कर सके लोगों के लिए काफ़ी लोगों ने स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी होती हैं वो ये सारे काम कर रहे होते हैं सो लेट मी जस्ट टू एंटर माई पासवर्ड एंड आई गेट बैक टू यू सो मैंने इसमें लॉग इन कर लिया अपना पासवर्ड डाल के और अब मैं करूँगा बुक नाव पे स्पेन के बेसिकली थ्री सेंटर हैं यूके में एक लंदन में है मैनचेस्टर में है और लास्टली एडिनब्रा में एडिनब्रा में ई होती है अपॉइंटमेंट लेना बाकी में भी मिल जाती है लेकिन मैंने भी चेक की थोड़ी देर पहले तो पहले मुझे मैनचेस्टर में मिली थी फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ तो मैंने देखा स्कॉटलैंड में मिल रही है मतलब एडनब्रा में सॉरी तो अगर मैं आप स्कॉटलैंड डालूंगा तो एडिनब्रा आ जाएगी अगर मैं अपनी मैनचेस्टर डालता हूँ या मैं कहता हूँ कि मैं जी वेस्ट मिटलैंड में रह रहा हूँ तो मुझे शो कर देगा लोकेशन मैनचेस्टर अगर मैं कहूँ जी मैं लंदन में रहता हूँ अगर आप लंदन में रहते हो और आपने लंदन का सेंटर चूज है, तो आप लंदन कर सकते हैं सो so, अभी फ़िलहाल हम फॉर द पर्पज़ ऑफ़ दिस वीडियो विल गो विद एडिंग्रा और वीज़ा टाइप डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज है यहाँ पर हम टूरिस्ट वीज़ा के साथ जा रहे हैं अपॉइमेंट कैटेगरी नॉर्मल अपॉइमेंट सबमिट वगैरह इस एड्रेस पर आपको आना पड़ेगा हम चले जाएँगे ठीक है अब यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर मांग रहा है आपका एप्लीकेंट ईमेल आईडी वगैरह वो सब कुछ पहले से ही उसने डाल दिया देखिए हमें काफ़ी ज़्यादा डेट्स आ रही है ट्वेंटी थर्ड की आ रही है ट्वेंटी थर्ड में अब क्या क्या टाइम स्लॉट्स हैं तो ये सारे टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं लेट्स से ट्वेंटी थर्ड अब कल की है तो लेट्स से विल गो वि थर्टी फर्स्ट और हम टाइमिंग जो है लेट एज लेट ऐज करते हैं सुबह साढ़े से बारह तक ठीक है अब ये आपको कह रहा है कि वेरीफिकेशन कोड आपकी ई मेल पे आ जाएगा यहाँ से जब आपको अपॉइंटमेंट नजर आए ना और कम अपॉइंटमेंट्स हो तो आपने ये प्रोसेस ना जल्दी करना है ताकि आपकी अपॉइंटमेंट निकल ना जाए ये तो कॉपी पेस्ट नहीं करने देता थ्री टू फाइव जीरो एट टू थ्री टू फाइव जीरो एट टू वेरीफाई ईमेल ईमेल वेरीफाई हो गई है अब मुझे कह रहा है कि मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँ कोई तो so, हाँ जब आप जिस लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसपे कैमरा भी होना चाहिए बिकॉज एंड में इस एक प्रोसेस आता है उसपे ना वो आपका एक्चुअल में फोटो लेके आपको वेरीफाई करता है कि आपने जो यहाँ पे पिक्चर अपलोड की है आप वैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे तो so, मैंने यहाँ पे एक वैसी डमी पिक्चर डाल दी लेकिन आपने ये जो पिक्चर है यूके का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तो नहीं मैंशन किया हुआ लेकिन आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होगी कि, कि, कि पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए किस तरह का आपको जो है ना पिक्चर डालनी चाहिए लेकिन जिस तरह आपने यूके का जब वीज़ा विजिट वीज़ा वीज़, वगैरह अप्लाई कर रहे थे जिस तरह जब आपने टी अपॉइंटमेंट बुक करवाई होगी तो उसमें जिस तरह पिक्चर का साइज़ था बैकग्राउंड था और यूके के जो स्टैंडर्ड होती, UK, passport, size, तो होती है ना यू के पासपोर्ट साइज फोटो तो ये उसकी डायमेंशनस होती हैं इस तरह आप बाहर से भी खिंचवा सकते हैं आपने रखी होती हैं या दिस दिस वन इज़ द परफेक्ट ये वाली हो गई ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो इस तरह की पिक्चर आपने करनी है और वेरीफाई अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें ये वाला प्रोसीजर यहाँ तक आपने जल्दी करा है एक दफा आप यहाँ से आगे चले गए तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है एक तरह की कंफर्म है आपने बस बाकी चीजें फिर डालनी है एंड uh, कंडीशन बहुत पूछता है ठीक है जी अब हमारी ई मेल ऑलरेडी डाली हुई मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है ये डमी डिटेल्स हैं इस पे कॉन्टेक्ट ना कीजिएगा अच्छा जी प्लेस ऑफ बर्थ लेट्स पाकिस्तान uh surname सर नेम एट बर्थ same current nationality हम जी कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और कंट्री ऑफ बर्थ भी सेम है अगर आपका डिफरेंट है तो आप कर सकते हैं जेंडर मेल सिंगल मैरिड डावोर्स जो भी आप करना चाह रहे हैं और हाँ जो अगर कोई कपल साथ बुक कर रहे हैं तो जब शुरू में अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे ना तो वहाँ पे आ रहा होता है इंडिविजुअल के लिए करना चाह रहे हैं फैमिली के लिए तो मेरे ख्याल से वो लोग लो फैमिली में जाएंगे फैमिली के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये जी अच्छा जहाँ पे ये रेड कलर का एसट्रिक है ना सिर्फ इनको फ़िल करने की ज़रूरत है जहाँ पे नहीं है ना उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है हमारे साथ बच्चे नहीं है अगर तो अगर बच्चे हैं तो फिर ये क्लिक करना है वो आपको और बता देगा कि बच्चों के नाम वगैरह बताएं बच्चे नहीं है तो कोई मसला नहीं ये यहाँ पे रेड नहीं है तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल डेट आपने बता दी जिस तरह लट्स से कम से कम एक महीने का मैं समझता हूँ गैप लेना चाहिए जैसे हम जा रहे हैं फोटीन को और यहाँ पे हमसे एड्रेस मांग रहे है। मैं कोई भी एड्रेस दे देता हूँ दे पोस्ट कोड सही भी है कि नहीं है टी फोर डब्ल्यू मैं देख रहा हूँ मेरा कोड क्या होता है वैसे खैर लेट्स होप कि ये सही चल जाए सारी डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर आप जो हैं स्टूडेंट हैं तो लेट से आप डाल सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेट से मैं डाल देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम या फिर यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट नंबर आपने डाल दिया ये मुझसे कांटेक्ट नंबर में बाद में लड़ेगा कहेगा ये सही नहीं डाला आपने अच्छा ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट डाल देंगे मेरे ख़्याल से स्टूडेंट ये देखें कुछ है ऑप्शन लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप डाल सकते हैं अपना प्रोफेशन डाल सकते हैं यहाँ पे आप, आप अपने एम्प्लॉयर का नाम डाल सकते हैं जैसे पीडब्ल्यू सी डाल दिया अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं पर्पज़ क्या है आपकी जर्नी का जी हम टूरिज़म करना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं स्पेन स्पेन के लिए अप्लाई करें तो उनको बताएं कि हम स्पेन ही जा रहे हैं खैर एक दफ़ा ही बहुत है एक दफ़ा ही में मांगा है फिर वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले कहा जाएंगे नंबर ऑफ मल्टीपल एंट्री करें बेहतर है अगर आखिर अगर आगर आगर आपको लाइक ट्रांजिट चाहिए तो सिंगल एंट्री भी ठीक रहेगा अगर आपका कोई प्रीवियस छंजन वीज़ा तो उसको क्लिक करें और डिटेल्स डाल दें पहले अगर आपने कभी छंजन वीज़ा अप्लाई किया था और फिंगरप्रिट्स वगैरह दिए तो आप एग्जामेशन ले सकते हैं अगर नहीं किया ऐसा तो नो रीज़न फॉर एग्जेपन कर दें फाइनल डेस्टिनेशन इशुड बाय कंट्री कह रहा कि आपने आखिरी जो आपका स्टे होगा वो कहाँ पर जाना चाहिए इंटेंटेड डे ऑफ अराइवल डिपार्चर लच सतारा को जा रहे हैं और खैर ये मैंने थोड़ा आ, मैं इसको वैसे सही करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक और चीज देखनी थी कि मेरी जो अपॉइंटमेंट थी ना अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट पीरियड डाल दिया है लेकिन मैं कुछ चेक करना चाह रहा था जब ये अगर मुझे एंड पे है वो तो थोड़ी तो 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 वेरीफिकेशन भी मांगेगा इसके अलावा सेलेक्ट कंट्री काउंटी कौन सी है स्पेन और यहाँ पे एक डेट थी ये बड़ी ट्रैवल डेट इसको भी फर्स्ट ऑफ मार्च कर लेते हैं ठीक है अच्छा अब जो होटल की डिटेल्स वगैरह होती हैं वो आप अगर आपको कोई बुला रहा है वहाँ पे तो आप उसका नाम डाल सकते हैं आपके कोई कज़न वग़ैरह कोई फैमिली मेम्बर हैं उनकी डिटेल्स नहीं तो होटल की एबीसी होटल आपने बुकिंग डॉट काम से आपने सारा डाल दिया सिटी ये स्पेन का एक सिटी है उसको मुझे आता नहीं मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कोई भी कॉस्ट कौन कवर कर रहा है जी हम ख़ुद पे कर रहे हैं अब यहाँ पे आप मेरे ख़्याल से लिख सकते हैं प्रीपेड अकोमोडेशन प्रीपेड ट्रांसपोर्ट क्योंकि आपकी जो प्लेन की टिकट होगी वो तो प्रीपेड ही होगी नेशनैलिटी वगैरह या कुछ आप डालने की जरूरत नहीं है ये, ये तब जरूरत है जब आपको कोई इनवाइट कर रहा है आपका कोई कजन वगैरह आपका फैमिली मेंबर कोई फ्रेंड तो आप उनका उनके बारे में डाल सकते हैं चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड स्पाउस वगैरह फैमिली रिलेशनशिप अगर आपका है कोई करें कोई ऑप्शन नहीं आए एनीवेज इसको सबमिट करेंगे कुछ एरर्स कहेंगे ऑफ ड्यूरेशन नहीं डाला हमने अच्छा यहाँ पे ना नंबर ऑफ डेज आ रहे होते हैं ये तो लेट्स से हम थ्री डेज करते हैं खैर मेरे ख्याल से एक हफ्ता करना सही रहता है कम से कम बट वो कह रहा है कि आपसे ये पैसे लिए जाएंगे अभी आपको पे नहीं कर हैं लेकिन आपसे ये पैसे लिए जाएंगे उस वक्त जब आप अपॉइंटमेंट के फिंगरप्रिंट्स लगवाने के लिए आप उसके सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पे आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो मैंने फ़ोटो डाली है वो सही है अब यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि अपने कैमरे को अलाउ करें और हमें ना सेल्फी लेने दें जब आप सेल्फी वग़ैरह करेंगे तो ये जो है वो उस जो आपने फ़ोटो डाली थी उससे मैच करेगा आपको सो so एनी मुझे यहाँ पे ज़रा वीडियो पॉज करने दे ताकि मैं इसको अगर वेरिफिकेशन को पॉज पास कर सकूँ सो so, ये अब मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है और इसमें मुझे इशू ये आ रहा था कि जो मेरे विंडोज़ लैपटॉप का कैमरा था वो बहुत फारक था और वो मुझे ना वेरीफाई नहीं कर पा रहा था फिर मैंने अपने सेम अकाउंट को अपने दूसरा जो मैक एप्पल का लैपटॉप था उससे किया उससे इजीली कर लिया उसने मैंने एक्सटर्नल वेब कैम भी मेरे पास एक पड़ा था विंडोज़ के लैपटॉप के साथ एक वक्त में मैं यूज़ करता था तो लेकिन खैर उससे भी बात नहीं बनी और मुझे काफ़ी थोड़ी खुआ हो गई इस ट्यूटोरियल के लिए एनी तो ये आप ना माई बुक अपॉइंटमेंट्स में जाके अपने पोर्टल पर देख सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट्स कौन सी हैं अगर आपने कोई कैंसिल की है या कोई कंप्लीटेड जब आप इमेट्रिक्स लगवा आएंगे तो यहाँ पे कम्पलीटेड हो जाएगी इसके अलावा आप इस अपॉइंटमेंट में से अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं चेक लिस्ट के आपको क्या क्या लेके जानी है तो जिस तरह चेक लिस्ट भी देख लेते हैं और लास्टली आपका एप्लीकेशन फॉर्म आई थी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक चीज़ ये सारी डमी डिटेल्स डली हुई है मैंने देखी है कि अब जिस तरह यहाँ ये जो इंटरटेड अराइवल और डिपार्चर डेट है ये हालांकि मैंने चेंज डेट्स आ थी लेकिन उसने ना सेम डेट्स दोनों को पिक कर डोंट नो कि को इनके सिस्टम में एरर है या क्या वजह सो so, और मैंने ये ट्यूटोरियल भी इसलिए बनाया क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट है उसमें भी यही इशू आ रहा था कि जो मेरी अराइवल डेट थी वही मेरी डिपार्चर डेट भी आ रही थी कि जिस तारीख को मैंने वहाँ पर पहुँचना है उसी तारीख को मैं निकल रहा हूँ हालांकि ऐसा नहीं आ रहा मैं उसके का, काफ़ी दिनों के बाद निकल रहा था तो एनी वेज यहाँ पे अपने साइन वगैरह करने होते हैं और ये फॉर्म लेके जाना होता है फ़ोटो आपको चाहिए होती है यहाँ पे लगती है ये मुझे भी आइडिया नहीं कि ग्लू से लगानी क्या करना है वो मैं देखूँगा और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है चेक लिस्ट अब ये है ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके लेके जाना होता है पासपोर्ट आपको ओरिजिनल लेके जाना होता है दस साल से ज़्यादा पुराना ना हो और दो कंजेक्टिव ब्लैंक पेज जो है उसमें खाली होने चाहिए मतलब वहाँ पर कोई स्टम्प वगैरह ना लगी हो और कम से कम नाइन्टी डेज़ के लिए वो वैलिड हो, हो पासपोर्ट की कॉपी भी लेके जानी होती है यूके रेजिडेंट परमिट की कॉपी भी लेके जानी होती है जो आपका बीआरपी कार्ड होता है और ये अगर आपके बच्चे हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें मुझे आइडिया नहीं है ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लेटर अगर आप काम कर रहे हैं पी पे किसी भी और कहीं पर जॉब कर रहे हो तो अपने एम्प्लॉय से ले लेना और अगर आप जो है स्टूडेंट हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें ये प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह इसमें आपने ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट देनी होती है तीन मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी लगा दें पता नहीं आप क्यों नहीं लिखे लेकिन ज़्यादा कर तो मांग रहे होते थे सैलरी स्लिप्स भी अच्छा प्रूफ ऑफ सफिशेंट अवेलेबिलिटी ये एट सिक्सटी तो आपको मिनिमम चाहिए है। और इस तरह अगर आपका दस दिन का स्टे है तो आपको नाइन सिक्सटी पाउंड मिनिमम दिखाने दिखाने लेकिन अगर आपको तीन दिन का स्टे है तो मतलब कि आपके तीन सौ साठ पाउंड बनते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आठ सौ साठ पाउंड कम से कम होना चाहिए अराउंड टिकट बुकिंग आपने कर ली टिकट वाली वेबसाइट से अब जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह मैं कहूँ कि लंदन टू पलमा अब पलमा शहर है इधर क्या नाम है उसका स्पेन में तो आप गूगल फ्लाइट्स लिखें और ये देखिए यहाँ पे ना सर्च करें अगर हम डेट्स वगैरह डाल के देखिए अब ये तीन से फाइव फेबर तक की थर्टी फोर पाउंडस की आ रही है रिटर्न तो आपको कोई ओरिजिनल टिकट ही बुक कर लें रायर जो है काफ़ी ज़्यादा चलती है स्पेन के लिए मैंने भी इसी से बुक किए फिर बुकिंग डॉट कॉम से आपको ये मिल जाएगा अकोमोडेशन का इसको आपने पेमेंट नहीं करनी इनको वहाँ पर ऑप्शन होगी लिखा रहता है कुछ होटल्स में कि आप वहाँ पे जब होटल में पहुँच जाते हैं तो पैसे देते हैं और कुछ होटल्स का होता है कि आप ऑनलाइन पैसे देते होंगे तो वो वाले और होटल आपने पेड द काउंटर पेड द होटल वाले जो है ना होटल्स पे आपने बुकिंग करनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है मैंने ली है कवर वाइज से सुना है मैंने कि इनकी चल जाती है अह एक दोस्त बता रहे थे मैंने पूछा उनसे जानने वाले उन्होंने जर्मनी के लिए इसी वेबसाइट की दिखाई है पॉलिसी और चल गया काम उनका सिंगल ट्रिप आपकी मर्जी है मैं तो एनअल ट्रिप मैंने ली और मैंने ना यूरोप पर सिलेक्ट किया पॉलिसी स्टार्ट डेट एक ट्रैवलर है ट्रैवलर जो है ना लीड ट्रैवलर की जो एज है वो पूछ रहे लेट से ट्वेंटी फाइव गेट कोट बहुत इजी है ये ये देखिए इतने की मैंने ली है और इस पर आपने ना पढ़ के कर देना क्योंकि हेल्थ वगैरह का इशू है नहीं है साढ़े बारह पाउंड में आपको मिल जाएगी बेस्ट है ये अमेरिका वगैरह का भी बीच में डालना है तो वो भी डाल सकते हो आप पूरा वर्ल्ड वाइड भी कवर कर सकते हो उसके कुछ एडिशनल दो दो, दो तीन पाउंड होते हैं लेकिन जो अगर ज़रूरत है लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं है इधर भी मैं खाल साइन वगैरह आपको चाहिए इसका भी प्रिंट लेके हाँ तो ले जाना ले है हर चीज़ का प्रिंट तो लेके जाना है फोटो कापी भी लेके जानी सो यस आई होप आपको समझ आ गई होगी कि स्पेन की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और कितना ईजी है ये बस अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है बस बार बार चेक करते रहना है ये बीच में कहेगा आपको कि देखिए अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल जो है ना आप बाद में ट्राई करो मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ कि अगर जिस तरह मैं मैनचेस्टर की डालूंगा तो मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और आप जो मिसाल के तौर पे जिस जगह पे अगर आप जिस तरह बेटफ में रह रहे हैं तो खुद ही आपको बता देगा आपका सेंटर कौन सा बनता है अब लंदन की डाल के देखते हैं कि लंदन की अवेलेबल है नहीं तो देखे, देखे, कि नहीं है तो देखिए कह रहा है कि करेंटली नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हमने कहा ओके भाई टाटा सो या सो ये थी कि स्पेन के शंजन वीज़ा के जो टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट या किसी भी और वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं डालूँगा कि बाकी शंजन कंट्रीज की भी स्टेप बाई स्टेप डिटेल्स कि वह के कैसे अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती लेकिन मुझे इनका प्रोसेस थोड़ा इजी लगा था एक जो चीज़ मुझे सुनने में आ रही कि स्पेन वाले वीज़ा बहुत रिजेक्ट कर रहे हैं लोगों के हालांकि डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर हैं अच्छे से हैं सो इस पर मैं थोड़ी और रिसर्च करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे वीज़े का भी क्या बनेगा जब मैं अप्लाई करूँगा कि उसमें कोई इशू आता नहीं आता लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैं स्टूडेंट्स का ख़ासतौर तौर पर सुन रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो रहा है सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और लोग यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप और किसी और किसी शेंजन कंट्रीज में अप्लाई कर दो सो क्या बट डेट्स होप फॉर द बेस्ट और आप बताइएगा कमेंट्स में क्या आपका शेंजन वीज़े के बारे में क्या बनाया थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन स्टेट अला हाफिज